फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए राशि को, आज हम लोग फिर से आ गए घूमी घूमी, है ना बेटा। तो आज हम लोग कुछ अलग सा एक रेसिपी खाने कुछ खाने वाले हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या खाने वाले हैं। ये देखिए फिश, ये कौन सा फिश है सानू का? इसका नाम है असला। यहाँ का ये कतले है और ये असला है, ये सिक्किम का लोकल है, ये सिक्किम का लोकल है ना भैया। ओके, तो अभी हम लोग आज ये खाएंगे लंच में और बनाएंगे सानुदा। तो हमारा सामान भी आया है ग्रोसरी का, जैसी का बैट बॉल खेलने के लिए, और हम इसमें सामान लेके आए हैं ग्रोसरी का, और इसमें कुछ कुछ ये पैकेट्स पैक चीजें लाए हैं खाने का सारा। और ये देखिए राशि, ये देखिए डॉगी को बिस्किट खिला रही है। वो फिर से आप पीछे पीछे जा रहा है भैया, फिर उसको और खाना है। आज यहाँ धूप नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम फॉगी फॉगी सा वेदर है, ठंडा ठंडा सा। ये देखिए मैं बच्चा, प्यारा सा बच्चा, मुन्ना सा बच्चा। तो आज दिखाते हैं आपको यहाँ का वेदर, देखिए कैसा वेदर है यहाँ पे। ये देखिए, उस दिन तो उस ब्लॉग में मेरे देखे होंगे आप लोग, बहुत अच्छा सा धूप था, बट आज धूप नहीं है। देखिए आज यहाँ बहुत ठंड है, हवा भी चल रहा है, ये देखिए कितना अच्छा। और इन्हें देखिए मेरे पीछे पीछे आ रहा, भाई मुझे डर लगता है, भाई दूर रहो, मैं डरती हूँ भैया। ऑफिस की गाड़ी, ये देखिए भैया ही ड्राइव करके जा रहे हैं, ये यहाँ से ड्यूटी करने हैं। ठीक है भैया, बाय बाय। देखिए चले गए, अब ये ड्राइव करके नहीं जाएंगे, नीचे ड्राइवर भैया हैं तो वही लेके जाएंगे, वो फिलहाल खाना खा रहे हैं भी। और मौसम देखिए कितना अच्छा है आज यहाँ का। चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारे सामने ये देखिए इसे बात कर रहे हैं। आपको ठंडा लग रहा है क्या? लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसमें से दो पीस लेंगे और हम अपने तरीके से बनाएंगे, घर पे बनाएंगे हम दो। मछली का तो नाम ही भूल जा रहे हैं, असला नाम है, बार बार भूल जा रही हूँ। जैसे हम मैरिनेट करते हैं वैसे सानू दम मैरिनेट कर रहे हैं, इसमें डालेंगे सबसे पहले और हल्दी, इसमें इन्होंने डाल दिया हल्दी। अब इसे हाथ से अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट हो गया है, इसको देखिए ये क्या कर रही है, कोका कोका। दिखाते हैं यहाँ का टेम्परेचर क्या है। आज यहाँ टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस है, ये देखिए ये 10 है, 10, ये 9 पे है, 9 नहीं 8 पे है, 8 पर है, ये 8 डिग्री सेल्सियस है आज। ओके, इसमें इसमें ना बेटा टेम्परेचर देखा जाता है इसमें। तो आज हम फिर यहाँ आ गए, देखिए यहाँ जो आपको दिखाया था ना लास्ट वीडियो में मुर्गियाँ, यहाँ से काऊ गाय कहाँ गई? अच्छा चरने गई। इसको देखिए ये भाग रही है, ये डर रही है डॉगी से। ये देखिए इतने सारे डॉगी हैं यहाँ पे, ये ब्लैक वाला फीमेल और वो मेल, और ये इनके सारे बच्चे, ये देखिए ये यहाँ दादी जी हैं।
नहीं गंदा करेगा, ले लीजिए कोई बात नहीं। अरे 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 अरे, ये देखिए छोटू छोटू सा, ये देखिए। हम लोग ऑलमोस्ट हर संडे को यहाँ आते हैं ऐसे घूमने। या ये देखना बेटा, तो चलिए देखते हैं इनके घर में आज कुछ कुछ पक रहा है। स्मेल बहुत अच्छा सा आ रहा है। ये रुकिए फ्लैश जला दूं मैं जरा, ये देखिए। वाओ बहुत अच्छा लगता है ना, ये देखिए अच्छा लगता है ना ऐसे। वाओ ओके सो ये देखिए इनको, देखिए ये क्या बेटा बिजी है, शी इज बिजी। ये देखिए वेट कर रहा है। सो देखिए अंदर खाना क्या बन रहा है और ये क्या खाना पका रही हैं। ओके सो क्या बन रहा है आज, शायद बन रहा है इनका, इसको मतलब सीधी सी बात है कोई एक दादी जी बना रही है, मैं बस उनके घर में आ गई ये देखिए यहाँ से इनका किचन दिखता है। इधर किचन, ये दादी जी हैं। जा रही है इससे, देखिए कैसे ली हुई है, देखिए ये कैसे कर रहा है, वो भी। ये देखिए कैसे कर, ये अब इसको यहाँ रख दिया इन्होंने, ला बेचारा गिर जाएगा वो बेटा, देखिए कितना केयर कर रही है। ना प्यार करता है ओ गॉड, देखिए देखिए ये बातें भी करती है, ये देखिए एनिमल्स लवर, ये भी आगे पीछे पीछे ये खेल भी रही है और डर भी रही है। देखो 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 डर रही है डॉगी से। ये देखिए अभी गोद में चली गई। वेदर देखिए, उस दिन का वेदर देखिएगा ब्लॉग में और आज का वेदर देखिएगा कैसा है। ये देखिए यहाँ वाइट वाइट ऐसे झंडे लगे हुए हैं और ये हमारे पीछे पीछे, और यहाँ का रोड आप देख सकते हैं एकदम स्लोपी। और मैं वेदर वैसे अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। देखिए 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 ये इनको काटेगा, देखिए क्या कह रही है। कहीं भी लेके जाओ ना तो इनको गोद में ही रहना है, जो हमारी सी छोटी सी, हमारी छोटी सी लाडली सी प्यारी सी बिटिया हैं वो रोने लगी है तुरंत भै भै करके। ये देखिए कितना घना सा जंगल है, कहाँ से हम लोग ऐसे चढ़ के आए हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है, उसी मौसम में हम लोग खाएंगे नॉन वेज मिसा। देखिए काफी रिप्रेशन हो गया यहाँ पे, मछली भी फ्राई कर दी है। चलो मैं हाथ धोती हूँ।
इसको फिर कैसे पेस्ट बनाएंगे? सरसों में बनेगा ना आज? आज हम सरसों वाला फिश खाएंगे, यहाँ का लोकल फिश। ऐसे तो हम लोग रोहू खाते ही हैं सरसों में। क्या हो गया? खाना खाना है। इनके टमी में पेन हो रहा है और ये मुझसे कह रही है कि माँ तुमने मेडिसिन नहीं लेके आया। मुझे क्या पता था कि इनका पेट दर्द हो जाएगा अचानक से। क्या हुआ बेटा, बता दीजिए सबको। पेट दर्द हो रहा है बच्चा। तो इस तरह से मैं ना दवाई तो नहीं लाई, लेकिन मैं इस तरह से टॉवल्स गर्म करके और फिर पेट को ऐसे ऐसे सेक रही हूँ, इससे काफ़ी रिलैक्स होता है। हम लोगों को भी जब मंथलीस आते हैं तो ऐसे पेट में जब दर्द हो ना, तो आप ऐसे टॉवल से ना सेक काई करके आप दर्द को आराम दिला सकते हैं। दवाई नहीं खाते, दवाई मत ही खाइए तो ही अच्छा है उस टाइम में। देखिए मेरे बच्चे को आराम हुआ बेटा? नहीं हुआ, क्या करूं फिर बोलो। आज हम फिर भूल गए और आज तो खाना स्टार्ट कर दिए थे। उस दिन तो मैंने खा लिया था, बट आज खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी ये हमारा फिश है, थाली में है, और इनका थाली, मेरा थाली, एंड ये हमारी मूवी। हम लोग खाना खाते टाइम मूवी देखते हैं। आप कौन सी मूवी देख रहे हैं बताइए? साउथ की मूवी है, लियो। तो नाम सुन गए होंगे लियो की, विजय थालापति। मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं। थालापति विजय है। ठीक है, हम लोग खाना खा लेते हैं। ब्लॉग में देखते रहिएगा लास्ट तक, अच्छा लगेगा। ऑन कर दीजिए। फिनिश नहीं हुई और फिर हमें भूख लग गया। भूख नहीं लग गया, भूख का ये कोई इलाज नहीं है। ये फ्रूट्स है, हम लोग खाने के बाद खा रहे हैं। ऑरेंज, यहाँ का लोकल ऑरेंज है ये, क्योंकि ये हमारे साहब जी छीले हैं। इधर हमारा बच्चा, उनका पेट दर्द हो रहा है तो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के ये सोई हुई थी। खा के बताइए तो कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सही, ख़त्म भी कर दिया हम लोगों ने। देखो टेंशन हो गया कि ये कैसे खाएंगे। मैं तो चिंगम खा लूं, बहुत टेस्टी है। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है हमारा, बहुत ज्यादा छोटा है। ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, तो इसलिए शिफ्ट आने वाली इनके ऑफिस की, और फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। फिर रास्ते में थोड़ा बहुत क्लिप लूंगी, उसके बाद ब्लॉग को यहीं बंद करूंगी। मैं अपना बैग भूल गई थी और ये अपना कैब भूल गए थे, तो अभी हम लोग इस गाड़ी से घर जाएंगे। अब मौसम ऐसा हो गया है, सामने की तरफ ये अंकल यहाँ ड्यूटी करेंगे और हम लोग घर जाएंगे। क्या कह रहे हैं दादाजी? राशि रहना है देखिए, तो अभी ये पान खाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है अंकल का पान, पूरा पैक, सारा मटेरियल इनके पास है पान खाने। देखिए ये छोटा सा बच्चा पान खाने आया है। संजय खाना है आपको बाबू? पान खाबो, पान खाबे, पान खाबे, ये लोग पूछते हैं। तो ये देखिए पान है और सुपारी है और चूना। चलो ठीक है, उधर आओ, उधर आओ, चिंता मत करो। चूना क्यों लगाते हैं पान में? इनको भी पान खाना है। पान खा रही है दादाजी से मांग के? खालो खालो। देख इसको, अभी हम हट जाते हैं।
ज्यादा लग गई।